हेलो फ्रेंड्स, सो प्रीवियस लेक्चर में हम इस क्वेश्चन पे थे और अब हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टू डायमेंशनल क्वेश्चन है, जस्ट सेम कंसेप्ट हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स बी शैल स्टार्ट द मोशन इफ ए स्टार्ट्स एट टी इज इक्वल टू जीरो सच दैट ए एंड बी कोलाइड्स। तो इस बार देखिए कि अगर ए और बी को कोलाइड होना है तो एक चीज़ पक्की है कि हमें दिख रहा है कि ये किस पॉइंट पर कोलाइड होगा, क्योंकि ए भी सीधा ऐसा आ रहा है, बी सीधा ऐसा जा रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट से ऐसे डॉटेड लाइन में आगे खींचूं और यहाँ से एक डॉटेड इधर से खींचूं, आपको नहीं लगता है कि जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं इसको कोलाइड वहीं होना है। तो इस बार सवाल में क्या किया गया है कि पोजीशन को फिक्स कर दिया हमने कि अगर कोलाइड होना है तो यहीं पर होना है, अदरवाइज़ फिर क्या होगा। अगर मान लीजिए ये ए पहले निकल गया या बी पहले निकल गया तो बी इधर आगे चला जाएगा, ए इधर चला जाएगा, फिर ये तो कभी कोलाइड होंगे नहीं। तो अगर होना है कोलाइड तो फिर इसी पॉइंट पर होना है, ठीक है। तो इस बार हमने क्या किया, स्पेस के टर्म में हमने फिक्स कर दिया कि कोलिजन होना है तो यहीं पर होना है जो सिचुएशन है। लेकिन जैसे मैंने आपको जो टेक्निक बताया कि हम सॉल्व करते हैं कोई भी टू डायमेंशनल क्वेश्चन को टाइम के बेसिस पे, तो आप जस्ट ये देख लो कि ये पार्टिकल ए जो है वो कितने देर के बाद यहाँ पहुँचेगा, बिकॉज पार्टिकल ए स्टार्ट हुआ टी इक्वल टू जीरो पे। पार्टिकल ए की वेलोसिटी क्या है, 10 मैग्नीट्यूड में है, और उसको ये लेंथ कितना चलना है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना लेंथ होगा, जैसे जेड इक्वल टू 50, इसका मतलब कि इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल डिस्टेंस जो चलना है वो 50 चलना है, है ना। ये इसके पैरेलल है, सीधा दिख रही है लाइन यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट तक। तो जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 50/10 यानी कि 5। तो 5 सेकंड में ए यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, सिंपल। फिर आप उसी लॉजिक से देखो कि बी को कितना लेंथ चलना है, बी को लेंथ चलना है 10 मीटर, बी की वेलोसिटी क्या है 5, तो बी को कितना टाइम लगेगा, ये टाइम फॉर ए, ये टाइम फॉर बी, बी को कितना टाइम लगेगा, बी को चलना है यहाँ से लेकर के इस पॉइंट ओ तक, ये पॉइंट मान लीजिए ओ जो है, ये लेंथ कितना है जस्ट ना 10 है, यानी कि जितना ये लेंथ है उतना ही ये लेंथ है, तो यानी कि 10/b की वेलोसिटी क्या है 5, यानी कि 2 सेकंड। तो b तो सिर्फ 2 सेकंड में पहुँच जाएगा ना यहाँ से वहाँ तक, इसका मतलब अगर a और b इकट्ठे स्टार्ट होते हैं तो 2 सेकंड में b इस पॉइंट से पहुँच जाएगा और उसके बाद आगे निकल जाएगा, उस टाइम तक तो a कहीं दूर ही होगा। तो हमें क्या इंश्योर करना है कि b भी पहुँचे एट t इक्वल टू 5 सेकंड पर। इसका मतलब क्या है, सिंपल, कि b शैल स्टार्ट आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर टाइम 5-2 यानी कि 3 सेकंड के बाद। तो जब बी 3 सेकंड पर स्टार्ट करेगा अपना मोशन तो 2 सेकंड में यहाँ पहुँच जाएगा और ए टोटल 5 सेकंड में यहाँ पहुँच रहा होगा, ठीक है। तो बी 3 सेकंड लेट स्टार्ट करेगा। तो ये सवाल भी हमने सिंपली टाइम के बेसिस पर सॉल्व कर लिया। तो कोई भी टू डायमेंशनल क्वेश्चन जो होता है ना वो टाइम के बेसिस पर आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्वेश्चन क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब इस बार हमने क्या किया, एक पार्टिकल को हमने थ्रो किया है, वो इस लाइन पे जा रहा है, ठीक है। ये एंगल है मान लीजिए 30 डिग्री, और यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से एक पॉइंट ए है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है दैट इज 100 मीटर। उस पॉइंट ए से हमने एक पार्टिकल को थ्रो किया है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये एंगल मान लीजिए है 60 डिग्री, ओके। तो अगेन सवाल वही है कि इस बार क्या हुआ है कि एक पार्टिकल यहाँ पर मान लीजिए बी और ये पार्टिकल ए, इन दोनों को थ्रो किया गया है। ये जो पार्टिकल बी को थ्रो किया गया है इस लाइन के अलाउं, इसकी वेलोसिटी है लेट से 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस लाइन के अलोंग इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। हमें पार्टिकल ए की वेलोसिटी निकालनी है, ताकि अगेन सिमिलर क्वेश्चन की ये दोनों पार्टिकल कहीं ना कहीं पर कोलाइड करें, ठीक है। तो हमें ये इंश्योर करना है कि ये दोनों पार्टिकल कहीं ना कहीं पर कोलाइड करें। सो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोई नया तरीका नहीं है, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट। बस इस बार क्या किया हमने कि दोनों पार्टिकल जो हैं वो टू डायमेंशनल मोशन में इंडिविजुअली मूव कर रहे हैं। तो हम सिंपली एक्सेस वाइज एक्सेस सॉल्व करेंगे, एक्स को अलग सॉल्व करेंगे, वाई को अलग सॉल्व करेंगे। तो कंसेप्ट क्या है कि टी इज इक्वल टू जीरो पर दोनों स्टार्ट हुए, यानी कि आफ्टर सम टाइम टी अगर इंटरेक्ट करेंगे तो दोनों के लिए टाइम कॉमन होगा, कहीं भी मिलेंगे तो बी जितना टाइम चल कर आया होगा ए भी उतना ही टाइम चल कर आया होगा।
अब आप देख लीजिए कि यहाँ से अगर मैं जस्ट एक परपेंडिकुलर से ड्रॉप करूँ तो ये दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट हुए अलोंग जेड एक्सिस। तो मैं क्या लगता है कि जस्ट अगर हम जेड एक्सिस पे पहले सॉल्व करें तो जेड एक्सिस को अगर हम पहले सॉल्व करें तो आपको नहीं लगता कि इन दोनों ने सेम टाइम टीम में सेम जेड एक्सिस डिस्टेंस कवर किया? अब खुद सोच लीजिए इस बात को एक बार कि ये यहाँ से यहाँ पहुँचा तो अल्टीमेटली यहाँ से अगर मैं एक पॉइंट ड्रॉप करूँ ये जो भी जेड कोऑर्डिनेट है तो यही जेड कोऑर्डिनेट बी ने भी ट्रैवल किया और यही जेड कोऑर्डिनेट ए ने भी ट्रैवल किया ना। ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है आई होप कि सेम जेड कोऑर्डिनेट जो है वो बी के लिए भी है और ए के लिए भी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बी एंड पार्टिकल ए जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या है, सेम है। तो मैंने आपको समझाया था कि टाइम जो है या तो आप रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग सॉल्व कीजिए या एक्स के अलॉन्ग सॉल्व कीजिए या जेड के अलॉन्ग सॉल्व कीजिए या वाई के अलॉन्ग सॉल्व कीजिए, टाइम हर एक्सेस के लिए कॉमन होता है। तो हमको जो एक्सेस दिखाई दे रहा है ईजी हम उसी के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे। तो हमको दिखाई दे रहा है कि डले ठीक है एक्स के लॉन्ग ये कितना चला हमें नहीं पता, ये कितना चला हमें नहीं पता, लेकिन जेड के लॉन्ग तो ये दोनों सेम चला है ना। तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए बी के लिए अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, बी के लिए अगर हमको टाइम निकालना है तो क्या होगा, जेड डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ बी अलॉन्ग जेड एक्सिस लेंगे ना। तो ये सिंपल वेक्टर आई होप ये आपको आता हो कि यहाँ पर मैं इसको अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 30 डिग्री है और इस लाइन के लॉन्ग वेलोसिटी जो है वो 10 है। तो इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट क्या होगा इसका, दैट विल बी 10 cos 30 और जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी 10 sin 30। आई होप ये बेसिक वेक्टर कंपोनेंट आपको मालूम है। तो हमारे लिए टाइम क्या हो जाएगा, बी के लिए कितना टाइम लगेगा, बी को टाइम लगेगा जेड डिवाइड बाई 10 sin 30 और उतना ही टाइम क्योंकि दोनों को कोलाइड करना है तो उतना ही टाइम ए के पास भी है ना, और ए भी सेम डिस्टेंस जेड मूव कर रहा है तो ए के लिए क्या लिखेंगे, जेड डिवाइड बाई हम मान लेंगे ए की वेलोसिटी वी है। तो अगेन वी वेलोसिटी जो है वो तो ए की अलोंग दिस मेन डिस्प्लेसमेंट लाइन है, अलोंग जेड क्या हो जाएगा वी साइन 60, जैसे बी का निकला वी, वी का मतलब 10 sin 30 वैसे ही हो जाएगा 10 sin 60। तो हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो सीधा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जेड और जेड कैंसिल हो रहा है तो सिंपली क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पर 10 लिख दिया मैंने ये गलती से, वी होगा बिकॉज वी डोंट नो दिस व्हाट वैल्यू, यही तुमको निकालना है वी। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, वी रूट 3/2 साइन 60 शुड बी इक्वल टू 10 × 1/2, जेड जेड कैंसिल हो गया तो सीधा हमें क्या दिख गया, वी आ गया हमारे पास 10/√3, सिंपल। तो भले ये टू डायमेंशनल क्वेश्चन था लेकिन हमने किसी भी एक एक्सिस को पिक किया और जस्ट टाइम को इक्वेट कर दिया, हमारे पास सीधा रिजल्ट आ गया, इट्स एज सिंपल एज दिस। चलिए अगर यही सवाल हमारे पास है इसको हम थोड़ा और इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, मतलब हम हर चीज़ हम निकालने की कोशिश करेंगे। हमें निकालना है कि कितना किस कोऑर्डिनेट पर ये दोनों मीट किए, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट क्या क्या है ये अगर हमें निकालना है, हम कैसे निकालेंगे। तो पहले तो हमने वी निकाल लिया, तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप ये कर सकते हैं कि हम एक्स के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। एक्स के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे क्या होगा, अगर हमको लेट से एक्स जानना है कि एक्स कितना होगा, तो अब देखिए कि एक्स के टर्म में भी हम टाइम को लिख सकते हैं। तो पार्टिकल बी जो है वो मान लीजिए कि ये एक्स लेंथ यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, मतलब एक्स के टर्म में ये जो यहाँ से यहाँ तक गया दैट इज एक्स के अलॉन्ग दैट इज एक्स जस्ट लेट से वेरिएबल एक्स। तो ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ए जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा दैट विल बी हाउ मच, ए यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना और ये पॉइंट सीधा एक्स है, यानी कि ए कितना ट्रैवल किया होगा, ए ट्रैवल किया होगा 100 - x। ऐसा क्वेश्चन हमने वन डायमेंशन में किया है कि बी एक्स के अलॉन्ग कितना ट्रैवल किया, अगर एक्स तो ए कितना ट्रैवल किया 100 - x, चूँकि ये ए जो था ऑलरेडी 100 कोऑर्डिनेट पे था। तो सेम एक्स के टर्म में क्या इक्वेशन आएगा टाइम का कि एक्स डिवाइड बाई क्या करना है हमको, अब जब एक्स के लिए लिख रहे हैं तो हमें वेलोसिटी ऑफ बी लेना है अलोंग एक्स एक्सिस, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 cos 30 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा,
तो 10 इंटू कॉस 30, 10 कॉस 30 में, चलिए अभी फिलहाल यहाँ पर कॉस 30 लिखता हूँ, तो सेम टाइम लगेगा ए को, तो ए के लिए कितना डिस्टेंस है अलॉन्ग एक्स, यहाँ से यहाँ तक टोटल 100 था और यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट, जो भी पॉइंट है लेट से सी, तो ए से लेकर के सी तक का जो सफ़र है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो कितना है, 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई, तो इस बार हमें क्या है, इस बार हमको वी मालूम चल गया ना हमको ऑलरेडी, तो हम सीधा ले सकते हैं 10 बाई रूट 3 इंटू कॉस 60, ए का ये एक्स कॉम्पोनेंट कितना है, कॉस 60 है, तो इंटू कॉस 60, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सिंपल सा इक्वेशन है, ये आपको 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1 बाई 2, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2, यहाँ से आपको एक्स आ जाएगा, एक्स जो आप ये सॉल्व कीजिएगा, ये आप खुद से वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एक्स आपको आएगा 75, ठीक है, ये आप सिंपली सारे वैल्यूज पुट कीजिए, आपको एक्स सॉल्व होकर के 75 आ जाना है। तो जब हमें एक्स मिल गया तो हम जेड कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आप देख लीजिए, मतलब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आपको आई होप आती है, तो आपको एक ट्रायंगल मान लीजिए, इस पॉइंट को मैं कह लेता हूँ डी, तो आपको सिंपल एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल बी डी सी, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, आप मेरे इस कर्सर को फॉलो कीजिए, ट्रायंगल बी डी सी, तो यहाँ पर बेसिकली हमको डी सी लेंथ ही निकालना है ना, क्योंकि यही तुम्हारा जेड एक्सिस है, तो डी सी क्या हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हम लिख सकते हैं टैन 30 यहाँ पर, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी दिस जेड कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई बेस, क्या है बेस आपका बी डी है यानी कि एक्स, तो जेड क्या हो गया हमारा, जेड हो गया एक्स, एक्स के बारे में रूट कर रहा हूँ 75, 75 इंटू टैन 30, टैन 30 डिग्री क्या होता है 1 बाई रूट 3, तो जेड हो गया हमारा 75 बाई रूट 3, तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया हमको, कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा 75 कॉमा 75 बाई रूट 3, और क्या बचता है निकालने को, हमें अगर ये निकालना है कि कितना टाइम लगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए वैल्यू, तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, जैसे हमने जेड ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट इज 75 बाई रूट 3 डिवाइड बाई 10 साइन 30 डिग्री की जगह पर हम लिख देंगे हाफ, ठीक है, तो वैल्यू आपको क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आपको आ जाएगी 15 बाई रूट 3, ठीक है, तो ये हो गया इतना सेकेंड्स, तो हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, मेन हमारा जो क्वेश्चन था वो था ये वेलोसिटी निकालना, तो वो तो हमने एक स्टेप में निकाल लिया था कि v इज इक्वल टू 10 बाई रूट 3 मीटर पर सेकेंड, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी बात को समझिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन हमको सिंपली सोचना है जो सबसे कन्वीनियंट हमारे लिए, तो कन्वीनियंट क्या है, हमको देखना है जिधर इन्फॉर्मेशन हमारे पास नोन है, हमको दिख रहा था यहाँ पर कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट सेम है दोनों का, तो सिंपली वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमने बस क्या किया, वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लिया अलॉन्ग जेड और सीधा हमको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल गया, ठीक है, तो टू डायमेंशनल क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, अगर वन डायमेंशनल मोशन हमको आता है, टू डायमेंशन में सिंपली बस दोनों एक्सिस को हमको अलग अलग करके सॉल्व करना है, चलिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करते हैं कि ये एक एक्स एक्सिस है हमारा और इधर जेड एक्सिस है हमारा, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सेलरेशन का टर्म ला रहा हूँ क्वेश्चन में, तो ये एक पार्टिकल है ए जो कि ऑलरेडी यहाँ से 100 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है, उसी तरह से एक पार्टिकल है बी, बी जो ऑलरेडी है दैट इज लेट्स से एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, ओके, ए को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं सीधा अलॉन्ग पैरेलल टू जेड एक्सिस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये अलॉन्ग के अलॉन्ग जेड एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा वेक्टर, और साथ में हमने इसको एक एक्सेलरेशन दे दिया है 2 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, और वो भी किधर है, वो भी अलोंग के ही है, ठीक है। और उसी टाइम पर हम बी को प्रोजेक्ट करते हैं विथ सम वेलोसिटी वी, ये वी हमने दिया है इसको अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी बेसिकली यूनिट वेक्टर आई के साथ आ जाएगा। तो सवाल हमारा सिंपल है वैसे ही कि व्हाट शुड बी दिस वैल्यू ऑफ वी, व्हाट शुड बी दिस वैल्यू ऑफ वी सो दैट दीज टू पार्टिकल्स कोलाइड, ठीक है, एंड दीज टू पार्टिकल्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली। तो स्टार्ट अगर साइमल्टेनियसली हो रहा है तो सीधा यहाँ ये जैसे ही अंग्रेजी का फ्रेज होगा आपके सामने, स्टार्ट साइमल्टेनियसली एंड दे मस्ट कोलाइड एट सम पॉइंट। तो अगर स्टार्ट साइमल्टेनियसली और कोलाइड, इसका मतलब कि दोनों के लिए अगेन कॉमन क्या है, टाइम। तो फिर से हमारी वही स्टोरी होगी कि हमको टाइम इक्वेट करना है, तो सेम टाइम है ना दोनों के पास, तो उस टाइम में जहाँ जिस पॉइंट पर ये दोनों कोलाइड करेंगे तो ए ने कितना डिस्टेंस मूव किया होगा या ए का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ए का डिस्प्लेसमेंट होगा सीधा कितना, जितना ये लेंथ दिखाई दे रहा है आपको, बी की जो ओरिजिन पोजीशन थी फ्रॉम ओरिजिन दैट वाज 50 मीटर, यानी कि ए को यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर आना है। तो ए के लिए हम क्या इक्वेशन लिखेंगे कि 50 इक्वल्स टू वेलोसिटी क्या है 5, यानी कि 5t इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ऑफ 2t स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से फिर बी के लिए हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, बी के पास भी उतना ही टाइम है ना, बी को कितना डिस्टेंस मूव करना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बी का, बी का डिस्प्लेसमेंट होगा 100 यूनिट्स उस डायरेक्शन में, तो 100 यानी कि बी को यहाँ से यहाँ तक आना है, क्योंकि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 100 है, जेड कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 50 है, तो बी को 100 डिस्टेंस आना है विद वेलोसिटी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी की, एक्सेलरेशन के बारे में कोई मेंशन नहीं है, तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी इनटू टाइम टी। तो ये बस स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया ना, ये दोनों इक्वेशन हो गए हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक लीनियर इक्वेशन है, तो जस्ट टाइम दोनों में क्या है कॉमन, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वी। हम क्या करेंगे यहाँ से, हम सिंपली टाइम को लिख सकते हैं 100 बाई वी, ठीक है, और जस्ट टाइम की ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, या आई होप हमने ये फॉलो किया मैंने क्या कहा कि जस्ट हम टाइम को लिख सकते हैं 100 बाई वी और सीधा हम यहाँ पुट कर दें इस इक्वेशन में टाइम की जगह पर 100 बाई वी, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ वी, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। या दूसरी चीज़ क्या है कि हम पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करें, तो ये एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है ये, मैं राइट हैंड साइड वाला टर्म पहले लिख रहा हूँ, ये चलिए मैं अभी मैं स्किप नहीं करता हूँ स्टेप, पूरा लिख देता हूँ, तो 50 इज इक्वल टू 5t प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये 2 और 2 तो कैंसिल, तो ये क्या बन गया टी स्क्वायर प्लस 5t, 50 को इधर ले आए तो क्या बन जाएगा माइनस 50 इक्वल्स टू 0, ये माइनस नहीं कन्फ्यूज कीजिएगा, 50 तो टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम सॉल्व करें तो t क्या हो जाएगा, t हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस ऑफ 4ac यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 200, 450 200 डिवाइड बाई 2a, तो a तुम्हारा 1 है, तो सीधा क्या हो गया ये 200 प्लस 25 यानी कि 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15 होता है, तो माइनस 5 प्लस माइनस मैं 200 प्लस 225 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, आई होप आपको पता हो, मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ 15 बाई 2, ये हो गया टाइम। आपको मैंने एक चीज़ पहले भी बताई थी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, एक नेगेटिव दिखाई दे रहा है आपको जब हम माइनस साइन लेंगे, तो टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हमको जस्ट कौन सा वैल्यू पिक करना है जो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव वैल्यू कौन सी यहाँ पर है प्लस 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 10, 10 बाई 2 5, तो टाइम हमारा 5 हो गया। बस क्या करना है हमको, टाइम की इसी वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है, तो वी आपका हो गया 100 बाई 5 दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, हो गया सॉल्व। सो जस्ट द कैच इज कि टाइम को इक्वेट कीजिए टू सॉल्व एनी टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट, ओके। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कभी आप मान लीजिए किसी स्कूल बस में ट्रैवल कर रहे हैं, क्या ही होगा सबने, मेजॉरिटी लोग बस जो स्कूल जाते हैं वो बस से ही जाते हैं,
तो आप स्कूल बस में एक ट्रैवल कर रहे हैं, ये बस मैं एक विंडो टाइप बना रहा हूँ, आप यहाँ कहीं बैठे हुए हैं आराम से, ये आपको बाहर से मुझे दिखाई दे रहा है, ये मैं बाहर से देख रहा हूँ और आपकी ये स्कूल बस है और ये स्कूल बस आगे जा रही है विद सम वेलोसिटी वी, लेट्स से ये है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है। आपने आपके हाथ में एक बॉल है, हम लोग सब स्कूल वगैरह जाते हैं हाथ में खेलने वाले की चीज़ तो रहती है पास में, आपके हाथ में एक बॉल है, आपने इस बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, मतलब ये बस का जो ये बस विंडो पार्ट है, बस का जो रूफ है ये बस काफ़ी से बड़ी है, बस का जो रूफ है वो काफ़ी ऊपर है, मान लीजिए ये बस का रूफ है, आपने बॉल को ऊपर फेंका, ऐसा नहीं किया कि जाके बस के रूफ से टकरा जाए, बस थोड़ा सा ऊपर फेंका, मगर ये जो बस है ये जो चक्के हैं ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बस हमारी आगे जा रही है, तो क्या ये बॉल वापस आपके हाथ में आएगी या नहीं आएगी? अगर आपको लगता आएगी तो क्यों, अगर नहीं आएगी तो क्यों, ये सोचिए। अगर बस के ड्राइवर साहब ने बस को एक्सेलरेट कर दिया, यानी कि बस की वेलोसिटी बढ़ा दी, या बस को डीएक्सेलरेट कर दिया यानी कि बस की वेलोसिटी कम कर दी, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? क्या फिर भी बॉल वापस हाथ में आएगी या नहीं आएगी, या पहली सिचुएशन नहीं आएगी? थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, तो ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आप इसको सोचिए क्या होगा। अगर आप जो भी आप सोचते हैं वो आप इस वीडियो के कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू गिव माय फीडबैक कि आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखो दोस्तों, फिज़िक्स सीखना है तो सोचने की आदत डालिए। फिज़िक्स इज़ नॉट लाइक कि आपको एक क्वेश्चन होगा, एक फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया, तीन नोन्स थे एक अननोन था आंसर आ गया, वो आंसर लाना इज़ नॉट फिज़िक्स, चीज़ों को रियलाइज़ करना, विजुलाइज़ करना, दैट इज़ फिज़िक्स। क्योंकि जब क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होंगे हमारे पास तब फॉर्मूला काम नहीं करता, तब जो काम करता है वो आपका लॉजिक है, तो लॉजिक डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉजिक तभी डेवलप होता है जब आप सोचते हैं। तो प्लीज़ सोचिए, ये सिचुएशन दिया मैंने आपको कि एक आप बैठे हुए बस में, आपने एक बॉल को ऊपर फेंका है जस्ट, तो क्या ये बॉल वापस आपके हाथ में आएगी या नहीं आएगी, और ये बस जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, तो इनिशियली ये मूव करती थी विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। फिर आप सोचिए कि अगर बस के ड्राइवर साहब ने एक्सेलरेशन लगाया बस में, वेलोसिटी बढ़ गई इसकी, या ब्रेक लगाया वेलोसिटी कम हो गई, तो उस केसेस में क्या फ़र्क पड़ेगा? हो सकता है कि कुछ ना फ़र्क पड़े, हो सकता है फ़र्क पड़े, तो ये सब आप अच्छे से सोचिए, क्योंकि इसके सॉल्यूशन में जब हम इंटर करेंगे तो वहीं से हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू होता है। तो अगले वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे और इस पूरे सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।